तो केले को जब आप किसे ना तो कोशिश करिएगा कि रेसिपी बनाते समय ही केले को छीलें और किसे पहले से छील के रखेंगे, किस के रखेंगे तो ये बहुत जल्दी काला पड़ जाता है कच्चा केला। इस तरह से हमें पूरी तरह से किस लेना है। देखिए फाइन, ये आप देख सकते हैं थोड़े से छोटे पार्ट्स हैं, इन्हें बारीक कट कर लीजिए। आज की रेसिपी है कच्चे केले की, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और एकदम नई रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिए यहाँ पर कच्चे केले 4। इस तरह से कच्चे केले ले लीजिए। इन कच्चे केलों को हम टॉप से और बॉटम से इस तरह से इसे कट कर लेंगे। देखें ये हमने कट कर लिया, इसमें हम तरह से लंबा कट लगा देंगे। ये देखिए ये कट लगा दिया और इसको हम छील लेंगे। कच्चे केले जो हैं छीलने में बहुत दिक्कत जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, इस तरह से छीलेंगे ना बहुत आसानी से छील कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हरा पार्ट्स जो है बिल्कुल मैंने हटा दिया और केले छील करके रख लेना है। तो चले फटाफट से मैं सारे केले इसी तरह से छील कर रख लेती हूँ। तो ये केलों को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है, अब इसे हम किस लेंगे। तो एक बस ले लीजिए, ये देखिए बारीक वाला कद्दूकस लेना है हमें, इसे बहुत बारीक बारीक किसना है। तो केले को हमने किस लिया है, यहाँ एक आलू लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है बड़ी साइज का। अब आलू को उबालने के बाद इसका तरह से इसका छिलका उतार लीजिए, इसे भी हम बारीक किस लेंगे इसके साथ। आलू को बॉईल करने के बाद आप इसे छीलकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है, इसका जो आलू का पानी होता है, मॉइस्चर है, थोड़ा सा सूख जाएगा। तो इसे आपको इस तरह से किसने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आराम आराम से किस पाएंगे आप, जिस तरह से मैं किस पा रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से किस लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके, काली मिर्च पाउडर 1 छोटी चमची, सेंधा नमक 1/4 टीस्पून, सादा नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। साथ में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पून भरकर। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है, इसे हम बारीक ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इसे मिक्सी का जार लेके इसमें डाल करके हम पीस लेंगे इसे बारीक। ये देखिए इसे मैंने इतना फाइन पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसकी। ये देखिए तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोहा डालकर इसे हम देखेंगे। यहाँ पर मैं डालूंगी पहले 2 चम्मच भर के पोहे का पाउडर। इसकी जगह पर आप ले सकते हैं सिंघाड़े का आटा, ले सकते हैं चावल का आटा, ले सकते हैं। अगर आप व्रत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो सिंघाड़े का आटा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मुझे हल्का सा लूज लग रहा है, ये देखें इसमें 2 चम्मच पोहे का पेस्ट पाउडर और मिलाएंगे हम, और ये 2 चम्मच, ज़्यादा मत मिलाना, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इससे अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। और देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा सा तेल हम हथेली पर लेकर हाथों को चिकना कर लेंगे, उनसे मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। पहले इस तरह से इसे गोल कर लें, गोल करने के बाद इसे हल्के से हाथों से प्रेस करते हुए कबाब की शक्ल में बना लेंगे। देखिए इस तरह से बनाकर रखते जाएंगे, तो इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने टिक्की बनाकर रख ली है सारी। गैस चालू कर हम एक नॉन स्टिक फ्लैट तवा रखकर गर्म कर लेंगे। बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। 2 चम्मच तेल डालकर इसे तवे पर हम फैला लेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें ये टिक्की डाल करके फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आंच को हम मीडियम कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसी तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देना है। तेज आंच पर बिल्कुल फ्राई नहीं करें, वरना ये अंदर से कच्ची रहेंगी, जल्दी से लाल हो जाएंगी ऊपर से। ये एक साइड से फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे लेकर के पलट लेना है। ये देखिए और पलटते पलटते इसे सभी तरफ से गोल्डन ब्राउन सिकने तक फ्राई कर लेना है। ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम तेल में ये फ्राई हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल भी तेल नहीं पीते हैं ये। हमारा जो 2 चम्मच हमने छोटे चम्मच से तेल डाला था ना, वैसा के वैसे ही तेल है। दूसरी साइड से भी ये फ्राई हो गए हैं, इन्हें वापस से पलटेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा इसमें कलर आ गया है, बहुत ही मज़ेदार, वो बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाती है। अच्छी ब्राउन फ्राई हो गई है और इन्हें हम निकाल लें। बहुत अच्छा इसमें कलर आ गया है, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी कुरकुरी करारी सी टिक्की बनकर तैयार होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।